Hi besties, welcome back to my channel. आज मैं आ गई हूँ वापस ओवर शेयर करने, because I'm a professional over sharer. अगर आपसे कोई पूछेगा मैं क्या करती हूँ, I'm not a YouTuber, I'm not a snap star, I'm a professional over sharer, because literally मैं पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा बांटती हूँ कि हाँ मैं ये हूँ, हाँ मैंने वो किया है, हाँ मेरे साथ ये हुआ है. So, तुम लोग ये टाइटल देख के सोच रहे होगे, बस यही बताना रह गया था इंटरनेट पे. दिन आ गए हैं इंटरनेट के कि ये सब टॉपिक डिस्कस होते हैं. वेल, मैं बोलना चाहूंगी हाँ जी, यस, यू नो, मेरे लाइफ में जब जब इंटरेस्टिंग होता है मैं आके यहाँ पे मुंह फाड़ती हूँ अपना. तो आई वाज लाइक, बट थैंक गॉड मैंने कोई भी लड़के के साथ डीड नहीं की है, ठीक है. आई हैव नॉट लॉस्ट माई वी कार्ड टू एनी वन, थैंक गॉड. माता रानी अभी बचा के रखे हुए हैं, बचा के ही रखना जब तक कोई अच्छा लड़का ना मिले, बिकॉज मेरे को कोई एसोल के साथ लूज नहीं करनी है अपनी वजन. आई कैन नॉट बिलीव कि मैंने ये किया. मेरे को ये स्टोरी एक्सप्लेन करने में इतना क्रिंज फील हो रहा है, बिकॉज लाइक यार, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड डू. यस, फॉर टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट टाइम गिविंग ठीक है. इट वॉज माई फर्स्ट टाइम एंड प्रोबेबली लास्ट टाइम, बिकॉज आई हेटेड ईच एंड एवरी मिनट ऑफ इट. बट मैं आपको बताती हूँ, प्लीज इग्नोर द लिपस्टिक ऑन माई टीथ. ओके, ठीक है, चली जाएगी पूरे वीडियो में, ऐसा नहीं है. अब तक मेरे लाइफ में दो लड़के थे जिनके साथ मैंने मेकअप किया था, कुछ किया नहीं था मैंने. इसके लिए आई थिंक चले जाते हैं सब मुझे छोड़कर, क्योंकि मैं ज्यादा आगे जाने नहीं देती कोई भी लड़के को. बट ये रैंकिंग के साथ ना मैंने थोड़ा मतलब थोड़ा एक 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 बेस बेस बोलते हैं ना, हाँ जी, तो एक बेस आगे गई थी. ओके, मैं बताती हूँ. तो ये थर्ड लड़का था मेरे लाइफ में, है ना, तो ये मेरे इच्छा था, ठीक है. अब इसके साथ ना मैं बहुत रश करी, ठीक है, लाइक आई डो नॉट रिकमेंड. तो इस बंदे से भाई मेरे को एक हफ्ता हुआ है मिल के, ठीक है, और मैंने एक हफ्ते के अंदर ये सब किया है. एंड आई एम लाइक, और अगेन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है. तो यस, एक हफ्ते के अंदर आई गेव हिम हेड. मत पूछो यार, मत पूछो, मेरे को ऐसा हो ही फील हो रहा है ना ये सब बोल कर ही. जो भी हम लाइक ऐसे कैजुअली फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कर रहे थे, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं थी. मैं भी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के लिए अग्री करी थी, इसमें उस बेचारे लड़के की कोई गलती नहीं है. इट साउंड सो रॉन्ग दैट आई अग्रीड टू फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. इसके लिए मैं बोल रही हूँ ये देखो और रियलाइज करो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स नेवर वर्क हनी. देखो ये मैं बहुत लोनली, मेरे बहुत टाइम से कुछ हुआ नहीं था मेरे लाइफ में. एंड आई वाज लाइक, हाँ ठीक है, चलो सामने वाला बुरा नहीं है, डजंट लुक बैड आल्सो, इट्स अ टिपिकल दिल्ली पंजाबी बॉय. आई वाज लाइक, हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, मैं कर लेती हूँ. आई वाज लाइक, आई वाज हैविंग अ लिटिल डीटीएफ एनर्जी, यू नो. बस शुश, आज के बाद ये मेंशन नहीं करना. पहले मैं जब उस लड़के से मिली, मैंने उसको बोला मेरे को नहीं करना है अब ये, ये उस बारे में नहीं है. ये एक हफ्ते चल रहा था और ये एक हफ्ते बाद की स्टोरी है जो मैं बहुत गलत तरीके से नरेट कर रही हूँ. बट हाँ, ये उसी दिन का जिस दिन मैंने किया, ठीक है. आई वाज लाइक, आई एम डन विद फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. आई वाज लाइक, अब मुझे कोई नहीं चाहिए, ठीक है. और उसी दिन हिपोक्रेट मैं इतनी बड़ी हूँ, ठीक है, उसी दिन रात में उसके घर पे जाकर उसके साथ मेकअप के आई और उसको हेड दे के, यू नो, फर्स्ट टाइम आई एम एवर सीइंग अ गाइस पीपी. उसी दिन मैं उसको बोल रही हूँ मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाली हूँ अब. तो फिर मैं उसके घर गई, ठीक है. अब मैं उसके घर गई थी कुछ अराउंड 11:30-11:30 के करीबन मैं उसके घर गई थी. मैं मेरी मम्मी डैडी को बोल रही थी मैं मेरी फ्रेंड के घर जा रही हूँ. मेरी मम्मी डैडी मेरे पे बहुत ट्रस्ट करता है, इस वीडियो को देखने के बाद वो सब ट्रस्ट शैटर होने वाला है. बट ओके, अब फिर मैं इसके घर गई, हम लोग इसके रूम में, हम लोग मेकअप करें नॉर्मली, ठीक है. और उस दिन मेरा पीरियड आ गया, ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी उसको कहीं जाने नहीं दे रही हूँ मेरे आसपास. मैं उसको बोल रही हूँ नो, नॉट हैपनिंग, आई एम इन दैट, ओके, यू आर नेवर गोइंग नो वेयर नियर एनी वेयर, ठीक है, मेरे को नहीं. तो हम लोग नॉर्मली किसी चिच्ची करके मेकआउट करके हो गया था. 2 या 3 बजे करीबन हम लोग मूवी देख रहे थे. फिर ये साले को पता नहीं किधर से टर्न ऑन होता है, मतलब लिटरली इट्स लाइक आई एम शॉक. आई एम लाइक, कैसे, आई एम लाइक, कितना टर्न ऑन कोई कैसे हो सकता है. और फिर मुझे बोल रहा है कि मुझे टर्न ऑन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो आई एम लाइक, ओ, अब मेरे को ऐसा गिल्टी कॉन्शियस हो रहा है, मैं बेचारा ये हो रहा है, वो हो रहा है, बेचारे के साथ कर लेती हूँ.
लिटरली मेरा ये था उस मोमेंट में. आई वाज लाइक, बहन मुद्दे की बात करती हूँ. आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, ही हैज अ बोनर एंड एवरीथिंग, अब कर ही लेती हूँ. तो कभी ना कभी मुझे किसी ना किसी लड़के के साथ तो करना ही पड़ेगा. ये जान पहचान का भी है, अच्छा भी है बेचारा, इसी के साथ ही कर लेती हूँ. उसने मुझे कुछ प्रेशर नहीं किया, बट आई वाज लाइक, ओह माय गॉड बेचारा, ये वो, पर मत पूछो कुछ भी ये टॉपिक. हम लोग रूम में गए और वहां पे इसने ओपन किया, ठीक है, एंड इट्स लिटरली माय फर्स्ट टाइम एवर सीइंग अ गाइस डिक. थैंक गॉड ये हाइजीनिक और साफ सुथरा बंदा था, नहीं होता तो भाई मैं उसी टाइम बार्फ कर देती लिटरली. आई एम लाइक, तो मैंने देखते ही हंसते हैं. आई एम लाइक, हे भगवान, लिटरली मेरा हे भगवान ऐसा रिएक्शन है. और मुझे इतना प्रेशर फील हो रहा है, बोलते हैं आई डोंट नो हाउ टू फकिंग डू दिस, आई डोंट नो हाउ टू सक अ गाइस डिक. मैं उसको देखकर इसके लिए नहीं हंसी थी, बिकॉज लाइक इट वाज लाइक स्मॉल और समथिंग, लाइक नॉट बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ समथिंग, नॉट इवन दैट, लाइक इट वाज स्मॉल, बट जी जो जो बस को बोले मैंने आज तक किया नहीं है, मेरे से नहीं होगा, लाइक पूफ. And then I'm like getting down on my knees. And it's right here. My mother Rani bachao mujhe. And I'm like, Vridhi, come on. Just do it. Aur us time mereko aisa lag raha hai. Wo uska ye, and then literally, it's so fucking eeks. Like, mera kaisa hai na? I couldn't look at it. Is it weird कि मैं उसको देख ही नहीं पा रही थी, क्योंकि it was like, तो मैं बस like करता है, ठीक है, तो then I did it, okay, and then ये fucking मुझे बोलता है, ऐसा लग रहा है, you are sucking it, and I'm like, bitch, it literally is that. मैं लोग कैसे करूँ फिर, मुझे नहीं पता यार, ऐसे कोई किसी को बोलता है, first time है, हाँ. ये ना एक ऐसा टेस्ट एग्जाम फील होता है लिटरली, लाइक क्या है ये, मेरे को नहीं करना है फिर से कभी भी. मैं सोच रही हूँ यार, मेरे को नहीं पता कैसे करते हैं, मैं मन सब बहुत बार करती हूँ, ये पहली बार होना है. तो देन ही इज लाइक गो अप एंड आई एम लाइक जी. तो हार्डली आई थिंक मैं बताती हूँ, बेचारे को कुछ सेटिस्फेक्शन मिला नहीं होगा इससे, क्योंकि हार्डली मैंने 2 मिनट भी नहीं किया होगा. हाँ, इज लाइक, और फिर इज लाइक, यू डोंट हैव अ डीप थ्रोट. मैंने 2 मिनट में बंद किया, मैंने बोला बस हो गया, मैंने लिटरली यही बोला, बस हो गया और नहीं, बाय दिस, बैट इट आउट, एयू ये हुआ. फिर मैं बाहर निकली और फिर मैंने बोला बस, फिर ना फिर से मुझे 4 बजे पूछता है, मैंने बोला बिल्कुल नहीं हो रहा है ये, बिल्कुल नहीं हो रहा है ये, सॉरी नॉट हैपनिंग अगेन. उसके बाद से बस इट्स ओके, वी हैड आवर फन, बट नाउ आई कैन नॉट डू दिस एनीमोर, नो. तो इसमें इस लड़के की कुछ गलती नहीं थी, आई थिंक बेचारे को कुछ सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिला होगा. मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत बेकार था, उसका भी एक्सपीरियंस बहुत बेकार था, और आई थिंक ये उसको बेचारे को ऐसा रूड लगा होगा कि ये लड़की ये देख के हंस क्यों रही है. एंड या फिर मैंने 2 मिनट से भी कम में उसको टाटा बाय बाय कर दिया, उसे हनी नो नॉट हैपनिंग, मेरे से मत पूछना ये सब करने के लिए, मैं नहीं करने वाली हूँ, ठीक है, मैं इतनी क्यूट हूँ, मेरी शक्ल में खुश रहूँ बस, और कुछ नहीं मिल रहा है. तो यार इससे मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं ग्लो जॉब गर्ल नहीं हूँ, आई कैन नॉट डू इट, आई डोंट लाइक इट एट ऑल. आई डोंट थिंक मोस्ट गर्ल्स इंजॉय गिविंग इट, बट अगर कुछ लड़कियों को पसंद होगा, तुमको ये सब नहीं मिल रहा है, सॉरी, ठीक है, सब अपने पॉन्ड में जाकर इंजॉय करो, ये सब रियल लाइफ में मैं नहीं कर रही. इट्स लाइक कैसा है ना, मुझे देखा ही नहीं जाता है, इट्स लाइक, और वो यहाँ पे मतलब क्या, यू. उसके बाद से बस ऐसा हो गया कि मेरे को उसको किस करने का भी मन नहीं रहा, मैंने वो तोड़ा नहीं था, हम लोग बहुत म्यूचुअली गुड टर्म्स पे सेपरेट हुए, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स ऑफ सेंडेड आफ्टर दैट डे. आई थिंक वो भी बेचारा बोला होगा, शी इज नॉट गुड एट इट हनी, टाटा, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ, बस खत्म कहानी. पता है एक लड़का था और उसके ऊपर से, दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, ये एक अलग बंदे के ऊपर है, उसके ऊपर कभी एक दिन अलग स्टोरी टाइम होगी, बट हाँ दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, टू डिफरेंट गाइस. कि मेरे को इस पे क्रश है, लाइक भाई साहब, जस्ट बिकॉज मैं तेरे साथ 7-8 बार हंस के बात कर ली, इसके मतलब नहीं है तेरा मन सक यू डिक हनी, ओके शट अप. ये एक अलग टॉपिक, एंड दैट्स इट,
That was it, besties. My first time giving head to a guy. Don't do all this, okay? Yes, I love you guys. Thank you so much for watching. Yes, मैं बहुत overshare करती ही हूँ life में. ये भी करी दिया है मैंने overshare. की फर्क मिलता है ना? चलो, I love you guys. Thank you so much for watching. You guys are my besties in the whole wide world. I love you. Okay, bye. Mwah.